दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। एशियन पैरा कमांडो ट्रेनिंग। दोस्तों किसी भी देश की ताकत उस देश में मौजूद सेना के हिसाब से तय की जाती है, क्योंकि अगर देश में मौजूद सैनिक ताकतवर है तो वो एक साथ दुश्मन सेना के कई सारे सैनिकों को ढेर करने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। और इसी वजह से हर देश ये चाहता है कि उसके सैनिक दुनिया में सबसे बेहतर बने। इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और हमारे आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति ऐसी कड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों बिना देर के चलिए शुरू करते हैं ये हैरतअंगेज वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 36 आवर स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पैरा कमांडो का चयन किसी भी स्पेशल तरीके से नहीं चल जाता, बल्कि इसका चयन सेना में मौजूद विभिन्न रेजिमेंट्स में से किया जाता है, जिसके बाद इन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 36 घंटों की ट्रेनिंग करनी होती है। यकीन मानिए ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, लेकिन जो जवान 36 घंटे की ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं उन्हें ही अपने सर पर पैरा कमांडो की टोपी और शोल्डर पर बैच लगाने को मिलता है। दोस्तों 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग की शुरुआत रात के समय में होती है, जहां जब जवान नींद के आगोश में बस सोने जाने वाला ही होता है तभी उन्हें लाइन में खड़ा होने का आदेश मिलता है, जबकि इन्हें पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। ऐसे में इनके लिए इतने थके होने के बावजूद इस तरह की ट्रेनिंग करना वाकई में बहुत कठिन है। दोस्तों इस ट्रेनिंग में जवानों को बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक कोई एक हार ना मान ले, और फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड के साथ अगले 2 घंटे तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह रास्ता 10 किलोमीटर का होता है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, क्योंकि इसमें अपने साथी कमांडो को अपने कंधे पर बैठाकर चलना होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं किसी परिस्थिति में साथी को चोट लग जाए तो कमांडो थका होने के बावजूद उसे मुश्किल घड़ी से बचाकर ला सके, और इसी चीज के लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर के सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसके बाद हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले राउंड में जवानों को अपने 30 किलो के बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के जेरिकेन लेकर राउंड लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 60 से 50 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में भारी भरकम लकड़ी को उठाकर चक्कर लगाना होता है। और दोस्तों इन सभी राउंड को पार करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 घंटे का वक्त ही मिलता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, और फिर जब जवान इसे पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पानी के गहरे टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है, और ये पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। यानी कि आप इनकी हालत समझ सकते हैं कि बिना सोए इन्हें इतना भारी भरकम लोड उठाकर दौड़ना पड़ा, और फिर इन्हें बर्फ से भी ठंडे पानी में डाल देना शरीर के साथ पूरी तरह से टॉर्चर है। लेकिन जब तक कोई जवान इस तरह की चीजें नहीं सहेगा तो वो हमारे देश की रक्षा के लिए कहीं से भी सही नहीं रहेगा। और इस टैंक में जाने के बाद ट्रेनर जवानों को उतनी ऑक्सीजन लेने देता है जितनी लेकर वो जिंदा रहे, बाकी वो इनका लगभग दम ही निकाल देता है। और ये सब कुछ भविष्य के लिए किया जाता है, क्योंकि पैरा कमांडो के सामने किसी भी तरह की स्थिति कभी भी आ सकती है जिससे उन्हें कड़ा मुकाबला करना ही होगा। पर दोस्तों इस ट्रेनिंग के दौरान जो भी जवान कहीं भी हल्की सी भी चूक कर जाता है तो उसका पैरा कमांडो बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। और अभी तो ट्रेनिंग बस शुरू हुई है, क्योंकि इतना होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, और इनकी परीक्षा कड़ी होती चली जाती है, जिसमें इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले एक जूस को दिया जाता है जिसके अंदर डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन होता है। और जब ये सभी चीजें पूरी हो जाती है तो इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी कि चीजों को ध्यान से समझने की ताकत की जांच होती है, और ये काम बहुत ही ज्यादा दबाव से भरा हुआ होता है, जहां आपको सोचने के लिए समय तो मिलता है लेकिन उसमें आपको फोकस करने के लिए शांति नहीं मिलती।
हालांकि इस टेस्ट में जवानों को उन चीजों के बारे में लिखना होता है जिन चीजों को उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस किया है, और जब ये सभी चीजें पूरी हो जाती हैं तो जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि किसके शरीर ने कितनी जल्दी हार मान ली। क्योंकि भले ही एक जवान मानसिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन उसका शारीरिक रूप से तैयार होना भी बहुत जरूरी है। और अगर जवान इसमें सफल हो जाते हैं तो इन्हें और 10 किलोमीटर के सफर के लिए भेज दिया जाता है। जब ये 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है तो 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है जिससे इनकी भूख मिट जाए। हालांकि खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आ जाती है क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद जब इन्हें हल्का सा भी आराम का वक्त मिलता है तो इनकी आंख लग जाती है और यहीं पर इनका पैरा कमांडो बनने का सपना टूट जाता है। और जो जवान जगे होते हैं उन्हें 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है जिस दौरान उनके कॉम्बैट स्किल की जांच की जाती है, और जो जवान इसमें सफल हो जाते हैं उन्हें कीचड़ में उतार दिया जाता है जहां उन्हें कीचड़ से सने अपने कपड़ों में हथियारों के साथ दौड़ लगानी होती है। और इसी के साथ इन जवानों की 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है जिसे सफल करने वाले जवानों के सर पर मैरून कैप सजा दी जाती है और वो प्रॉपर तरीके से पैरा कमांडो बन जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने एक मैरून कैप सर पर सजना किसी भी जवान के लिए कितनी बड़ी बात होती है, और ये सब तभी होता है जब वो इतने महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बिना सोए 36 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग करता है। और जिस जवान ने ये ट्रेनिंग पूरी कर दी वो वाकई में किसी से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है। बाकी आपको इनकी ट्रेनिंग के बारे में सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें, दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।